कैसे को मतलब जमीन खा गई मतलब आसमान खा गो। अरे घड़ी कहाँ है मेरी? मुझे क्या पता, वहीं होगी, देख लो। मैं थोड़ी पहनती हूँ तुम्हारी घड़ी। यो नो, जब तू घर में रहे तो पता रहना चाहिए ना, सार सामान तू ही रखे घर में। तुम्हें तो सामने रखी हुई चीजें भी नहीं दिखती। आ रही हूँ मैं, रुक जाओ। आ जा, देख लूंगा मैं, मिल जाएगी तो। हमें ना मिलती चीज तो जरूर मिल जाएगी। कुछ भी काम ढंग से करने दे ही नहीं सकता इंसान। यार तुमने भी ना बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा है। गैस चल रहा है, तुम्हें कुछ सामान मिलता क्यों नहीं है? यही तो रखी थी, यहाँ से कहाँ जाएगी घड़ी तुम्हारी? कहाँ रखी थी तुमने? यही रखी मैंने तो। यहाँ रखी थी, आज कहाँगी? तो मुझे क्या पता, मैं यही रखता हूँ डेली, फिर आज क्यों नहीं मिल रही मुझे? तुम्हें याद है तुमने यही रखी थी? पागल हूँ मैं तो, जब मैं रोज यहाँ रखता हूँ तो यहाँ तो मिलनी चाहिए। पागल है हम तो। घर में कोई आया था? घर तो बस मेड ही आई थी। तो मेड तो रोज आती है, और दिन तो कुछ चोरी नहीं हुआ। और हाँ, आज उसकी बच्ची भी साथ में आई थी। तो रूम में भी आई थी वो? यार वो सारे घर में घूम रही थी अपनी मम्मी के पीछे पीछे, आई होगी रूम में भी। ले हो गया काम, बहुत बढ़िया। तूने अंदर रूम में क्यों भेजा उसको? तुम भी तो यही सो रहे थे ना? तो मैं तो सो रहा था, जाग थोड़ी रहा था, नींद में थोड़ी देखूंगा उसे क्या कर रही है वो। ले गई वो उठा के, पक्का कह रहा हूँ मैं। इस बात को तू लिख के ले ले, उसे कुछ दिख गया, चमकती हुई घड़ी थी। पता नहीं यार, समझ में नहीं आता कि माँ बाप क्या सिखाते अपने बच्चों को, कोई भी कुछ भी उठा लेता है दूसरे घर में, हैं? समझ में नहीं आता। अब क्या करे? अब क्या करेगी, लेगी तो लेगी, अब वापस थोड़ी मिलेगी वो। कहाँ जा रही है तू? उनके घर जा रही हूँ, उसे वो घड़ी लेने। अच्छा, तो तू उनके घर जाएगी और बोलेगी कि तुम्हारी बच्ची ने हमारी घड़ी चुराई है, और वो इस बात को मान भी लेंगे। मानेंगे क्यों नहीं, मानना पड़ेगा उनको। पागल है कि तू? क्यों मान लेंगे वो, अपने बच्चों को कोई गलत समझ लेगा, उल्टी बात कर रही है। नहीं मानेंगे वो, कोई फायदा नहीं है जाने का, और बहस करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं देंगे भाई, उनकी बच्ची लेकर गई तो देंगे नहीं भला वो घड़ी? अरे सबूत क्या है तेरे पास, मुझे ये बताना। सबूत की क्या जरूरत है, घर में वही आए ना, उनके सिवाय कोई नहीं आया। मैं, तुम और वो और उसकी बच्ची, उसके सिवाय कोई नहीं आया घर में। अरे रहन दे, कोई फायदा नहीं है, वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, और वैसे भी 300-400 रुपए घड़ी थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोड़ चल। तो क्या करें अब? करना क्या है अब, थोड़ा घर का ध्यान रखा कर, क्या करती है फिर तू? और उससे बोल दे अपने बच्चों को ना लेकर आए घर में, और नहीं माने ना तो दूसरी मेड रख ले। मैं जा रहा हूँ वापस, ठीक है, गेट बंद कर ले। क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? वो तो सही रहा कि हम उनके घर नहीं गए। हाँ यार, मैं छोटी सी बच्ची को ही चोर समझ लिया, कितने गलत है ना मैं यहाँ पर। गलत तू नहीं है, गलत मैं हूँ, मैंने बिना सोचे समझे इतना कुछ सोच लिया। सही रहा ना हम नीचे नहीं गए। और सोच एक बार यार, इतने सालों से हमारे यहाँ पर काम कर रही है, और हमने कुछ देर में उस पर शक कर लिया, वो भी 300-400 रुपए घड़ी के ऊपर। सही कह रहे हो यार, कभी कभी इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करता है ना इंसान तो मार खा जाता है। इसलिए अगर आराम से काम करेगा ना तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, और जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है, इंसान का नहीं। चल छोड़ इस बात को, काम कर ले अपना, जो भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।